हे गाइस, माय नेम इज स्नेहल एंड यू आर वाचिंग। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे अपने वोकल्स को प्रोफेशनल साउंड कराएं, कैसे अपने रिवर्ब और डिले को बहुत अच्छा साउंड कराएं, बहुत प्यारा साउंड कराएं, क्योंकि काफ़ी सारे बिगिनर्स होते हैं, मैं उनके ट्रैक्स सुनता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा भर के रिवर्ब सुनाई दे रहा होता है ना, जो हर एक एलिमेंट्स के साथ क्लैश हो रहा होता है और बहुत बहुत वियर्ड साउंड करता है। आई मीन आप लोग भी वंडर करते होंगे कि यार बॉलीवुड या चाहे जितने भी आप इंडी सॉन्ग्स देख लो, उनका रिवर्ब इतनी प्यारी तरीके से लगा होता है ना कि पता भी नहीं लग रहा होता बट फिर भी फील हो रहा होता है। तो आज एक बहुत ही सिंपल सा तरीका दिखाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से ट्रिक दिखाने वाला हूँ जिससे आपके रिवर्ब्स अच्छे साउंड करेंगे, बहुत ही कंट्रोल्ड और प्यारे साउंड करेंगे। सो ये ट्रैक है, इस ट्रैक में अभी कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब बस बेसिक इसकी प्रोसेसिंग हुई हुई है, रिवर्ब और डिले नहीं लगा हुआ, तो इसको सुनते हैं। ये दरख्वास्त है ये, जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया बुला दे, जो अब लम्हाट है ये, बड़े ही खास है। सो ये थे ड्राई वोकल्स। स्टेप वन, कभी भी अपने वोकल के ट्रैक पे डायरेक्टली यहाँ जाके चैनल रैक में जाके ना रिवर्ब मत अप्लाई करा करो, कभी भी नहीं, ठीक है? उससे क्या होता है, आप अपने रिवर्ब को ना सेपरेटली क्लीन नहीं कर सकते और ना प्रोसेस कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करो, सेंड में जाओ, तो ये आप किसी भी डॉ में कर सकते हो। एक बस भेजो, उस बस में वॉल्यूम डालो थोड़ा सा, और उस बस के अंदर ना सबसे पहले एक EQ लगाओ, और EQ के बाद आप अपना रिवर्ब लगा सकते हो। सो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अब मैं इस बस का एक ट्रैक बना देता हूँ, बेसिकली इसका नाम मैं रिवर्ब रख देता हूँ, राइट। अब अगर मैं सिर्फ रिवर्ब को सोलो करके सुनूँ ना, तो देखो आ रही है साउंड जो आई। अब अगर आपको नहीं पता तो ये जो रीजन होता है ना 200-300 वाला, जितना भी बेसी रीजन होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मड होती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक लो कट अप्लाई कर देना है और एक हाई कट अप्लाई कर देना है। अब ये मैंने क्यों किया है, पहले एक बार सुन लेते हैं इसको। कैसी साउंड आ रही है, जो आई रात है। बहुत ही टेलीफोनिक टाइप की वॉइस आ रही है ना। तो मैंने लो कट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ का सारा मर्ड कैंसिल आउट हो जाए, और हाईज में इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सिबिलेंस होती है। अब सिबिलेंस क्या होती है ये सुनो, स्नेक, तो जो ये जितनी भी SS की साउंड होती है ये सिबिलेंस होती है और ये चुपती है कान में। अब सोचो कि आप रिवर्ब में सिबिलेंस आएगी तो कितना ज़्यादा गंदगी मचाएगी, तो वो कैंसिल आउट हो गई है। और सिबिलेंस यूजुअली 6K से लेके 10K 8.5K तक ही होती है। अब मैंने EQ लगा दिया है, EQ के बाद अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ एक रिवर्ब, ठीक है? तो मैं वालहाला का रिवर्ब यूज़ करने वाला हूँ, प्लेट, ठीक है? अब मेरे पास एक ऑलरेडी प्रीसेट है अपना, जो मैंने स्पेसिफिकली इन वोकल्स के लिए बनाया है। अब सुनते हैं इसको, रिवर्ब को सिर्फ, ठीक है? अगर मैं EQ को कैंसिल करूं, EQ को बंद करूं, तो सुनना पहले वोकल्स के साथ। ये दरख्वास्त है ये, EQ ऑन, जो आई रात है, EQ ऑफ, बहुत ही कंट्रोल्ड साउंड कर रहे हैं ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ना वोकल को और रिवर्ब को, अब मैं रिवर्ब को लेवल करूँगा, ठीक है? अब मैंने पूरे ट्रैक को साथ में चला दिया है, मैं वॉल्यूम को नीचे कर दूंगा और मैं रिवर्ब को तब तक ऊपर लेकर आऊँगा जब तक मुझे हल्के से नोटिस नहीं हो रहे, ठीक है?
ये दरख्वास्त है ये जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया बुला दे। तो आपको रिवर्ब इतना रखना है कि आपको वो रिवर्ब सुनाई ना दे, बट अगर उसको आपको बंद करना हो रिवर्ब को तो आपको लॉस फील हो एक, ठीक है? ये दरख्वास्त है ये जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। तो यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि अगर मैं रिवर्ब को ऑन कर रहा हूँ तो बहुत ही स्मूथ हो जा रहे हैं वोकल्स, और जब मैं ऑफ कर रहा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है पता नहीं अचानक से बहुत ही अपफ्रंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। अब सेम चीज़ मैं डिले के साथ करता हूँ, एक बस सेंड करूँगा, नहीं उसमें थोड़ी सी वॉल्यूम डालूँगा, ट्रैक बना दूँगा, उसका नाम डिले रख दूँगा, दोबारा से उसमें एक EQ लगाऊँगा, और अब इसके अंदर मैं डिले का एक प्लगइन डाल दूँगा। तो मेरे पास वलहाला डिले का मैंने एक ऑलरेडी प्रीसेट बनाया हुआ था, इसी के लिए सुनते हैं। विदाउट EQ कितना डर्टी साउंड कर रहा है। अब लम्हाट है ये बड़े ही। अब यहाँ पे आप अलग से वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो, देखो डिले और रिवर्ब का। ये दरख्वास्त है ये जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। अब सुनते हैं एक बार। ऑल्सो यहाँ पे मेरी हार्मनीज हैं सारी, इन हार्मनीज पे भी लगा देते हैं। चलो अभी ऐसे ही देखते हैं, सिर्फ वोकल्स पे, बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं। पहले मैं डिले और रिवर्ब को बंद कर देता हूँ, पहले कैसे साउंड कर रहा था और फिर आफ्टर। ये दरख्वास्त है ये बहुत ही ड्राई है, बहुत ही अपफ्रंट है। तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे, जो अब लम्हाट है ये बड़े ही खास है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। अब मैं रिवर्ब और डिले को ऑन कर देता हूँ, यहाँ से मैंने म्यूट का बटन हटा दिया है, अब दोनों ऑन है। अब सुनते हैं फिर फाइनल रिजल्ट। ये दरख्वास्त है ये जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे, जो अब लम्हाट है ये बड़े ही खास है। तो अगर इसको सम अप करना हो तो सबसे पहले एक बस क्रिएट करो, जो कि हमने क्रिएट करी है। यहाँ पे दो सेंड्स हैं, दो बसेस हैं एक्स्ट्रा, एक रिवर्ब के लिए एक डेले के लिए। सेकंड, उस बस में जाके आप पहले EQ लगाओ, अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है, बट अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से डालो। मुझे नेचुरल फील के लिए जाना था इसलिए मैंने इतना उसका लेवल सेट किया है रिवर्ब का, वरना आप बहुत ही ड्रीमी बनाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप इस पे सेट नहीं रहोगे, आप थोड़ा बढ़ा दोगे, है ना? और रिवर्ब भी आपका थोड़ा दूसरे टाइप का रिवर्ब होगा, प्लेट नहीं लोगे आप। फर्स्ट स्टेप बस बनाना, सेकंड स्टेप EQ डालना, थर्ड स्टेप उसको लेवल अप कर देना, और लेवल कितना, इतना कि अलग से सुनाई ना दे आपका रिवर्ब, बट अगर आप उसको ऑफ करो तो आपको लॉस फील हो। सो इस ट्रिक को ट्राई करना एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लगा।
एंड आपके वोकल्स कैसे साउंड कर रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी क्लीन, काफ़ी अच्छे साउंड कर रहे होंगे। एंड वीडियो पे कमेंट कर दो यार, शेयर कर दो और मुझे बताओ आपको किस किस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए, मैं बनाऊंगा। हैप्पी लर्निंग।